बिहार में शराबबंदी पर हुई सियासत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संशोधन करने का प्रस्ताव बना सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी पर हो रही किरकिरी और फजीहत के बीच अब सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ऐसे में शराबबंदी कानून में संशोधन की बात की जा रही है। संशोधन में कई मुद्दों पर सहमति बनने के आसार दिख रहे हैं। शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार जो बदलाव कर सकते हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति अगर कोई पकड़ा जाता है पहली दफे तो उसे ऑन स्पॉट चालान काट कर छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो दोबारा अगर शराब पीते हुए मिलेगा तब जेल भी जा सकता है। शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक दबाव है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की जो टिप्पणी है उसके बाद अब राज्य सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेकर छोड़ सकते हैं, लेकिन रिपीट जुर्म करने वालों को जेल भेजने का भी प्रावधान प्रस्ताव में रहेगा। शराब से जुड़े सामान्य मामलों में राहत देने पर भी विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, सरकार संशोधन के प्रस्ताव को तैयार कर रही है। उसमें यह नियम भी हो सकता है कि शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों से पेनाल्टी लेकर छोड़ दिया जाए। उधर शराब से संबंधित मामलों में जल्द निपटारे के लिए जिलों में न्यायालय की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था भी की जा सकती है। संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर इसे गृह और विधि विभाग के पास भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट सत्र में इस विधानसभा के अंदर पेश भी हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाए। इसके पहले साल 2018 में भी इसे संशोधन किया गया था, तब जमानत की व्यवस्था दी गई थी। बिहार मद्य निषेध व उत्पाद शुल्क संशोधन कानून 2018 के तहत शराब पीते पकड़े जाने के अपराध को जमानतीय बनाया गया था। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन में ही जमानत का प्रावधान है, वहीं 50,000 रुपए का जुर्माना अदा करने के बाद दोषी को रिहा का भी प्रावधान है, जबकि मूल कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान था। जाहिर सी बात है कि बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार की फजीहत हो रही है और इस बीच जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी, पूरे प्रदेश के कई जगहों से जहरीली शराब मिलने और उसे पीने वाले लोगों की मौत का मामला सामने आता रहा है। एक तरफ जहरीली शराब तो दूसरे तरफ बिहार में अवैध शराब का जो कारोबार है वो काफी तेजी से बढ़ा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष सहित सत्ताधारी दल के सहयोगी भी सरकार से अब संशोधन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में सरकार को खरी खोटी सुनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद सरकार ने जो फैसला लिया है, एक तरफ राजनीतिक दबाव, दूसरे तरफ कोर्ट का दबाव, टिप्पणी, अब नीतीश की जो सरकार है वो इस पूरे मामले पर संशोधन करने का विचार कर रही है। एक तरफ इस फैसले से शराबियों को थोड़ी राहत मिलेगी तो वहीं बिहार में राजनीतिक दबाव सरकार से कम होगी। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।